हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट का एक केस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एलिबाई पर बेस्ड है। जनरली अगर मैं कहूँ ए ने बी का मर्डर आज दिल्ली में किया है, मैंने कह दिया। अब ए कहता है कि मैं तो आज यहाँ पे दिल्ली में हूँ ही नहीं, मैं तो कश्मीर में हूँ। अब यहाँ पर और एक घंटे में कश्मीर से यहाँ नहीं आ सकता। तो ऐसे कुछ कंटेंशंस होती हैं जिसमें आप डिफेंस ले सकते हो। तो इसी पर हमें कुछ इसी तरह से इस केस के फैक्ट हैं। तो जयंती भाई, बेंकर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में, यहाँ पे जयंती भाई जो है इस केस में उन 9% में से होते हैं जिन पर लालू भाई के मर्डर का चार्ज होता है। तो इस केस के फैक्ट को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल। तो फैक्ट क्या है इस केस के कि जो यहाँ पे डेथ होती है लालू भाई की, उसमें 9 लोग जो होते हैं उन पर चार्ज होता है आईपीसी सेक्शन 302 इज रिटन विद 149 और इसके साथ 147, 148, 452 जो कि आईपीसी के सेक्शंस होते हैं। अब इसके साथ ही इसमें से जो 9% होते हैं, चार को यहाँ पे बियॉन्ड की बिना किसी प्रूफ के इनको एक्विटल जो है वो कर दिया जाता है कि ये इस केस से फ्री हो जाते हैं। और यहाँ पे 5 जो पर्सन है, इन 5 के खिलाफ एविडेंस मिलने की वजह से इनको कन्विक्ट कर दिया जाता है इनके मर्डर में और इसके साथ ही इन्हें पनिश किया जाता है। अब यहाँ पे 5% में से एक होते हैं हमारे जयंती भाई। अब ये जो जयंती भाई होते हैं, ये 5 कन्विक्ट में से एक होते हैं। अब यहाँ पर ये जो है अपना डिफेंस लेते हुए कंटेंशन क्या देते हैं कि ये जो ऑफेंस हुआ है ये अहमदाबाद में हुआ है और उस वक्त ये सिंगापुर विलेज में थे और उसी दिन ये सिंगापुर विलेज में थे, वहाँ से अहमदाबाद आना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो इनकी कंटेंशन थी, ये सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में देखी गई। अब इनके इस कंटेंशन के बाद इन्होंने ये कहा कि ये अनरीचेबल है और अनप्रोबेबल है कि वो यहाँ से यहाँ पर उसी दिन आकर मर्डर कर दें। अब सुप्रीम को, अब जो हमारी कोर्ट होती है उनके इस कंटेंशन को ऑब्जर्व करती है कि सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग जो एलिबाई की बात करता है कि वो पर्सन जहाँ से उस जिस जगह पर वो है और जिस जगह पे ऑफेंस कमिट हुआ है उस पर्टिकुलर टाइम के बीच में वो वहाँ नहीं आ सकता तो वो ऑफेंस नहीं कर सकता और उसको एलिबाई का डिफेंस मिलेगा। तो ये सेक्शन 11 को डिस्कस करने के बाद यहाँ पे कोर्ट जो है वो सेक्शन 103 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को डिस्कस करते हुए ये कहती है और इसको एक्सप्लेन करती है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन, कि केस में जो बर्डन होता है गिल्टी प्रूफ करने का एक्यूज्ड के प्रति, वो प्रोसिक्यूशन पे बेस्ड होता है, वो प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी होती है और इस केस में वो प्रोसिक्यूशन अच्छे से नहीं कर पाया। तो ऐसे में यहाँ पे ये माना कोर्ट ने कि जयंती भाई जो है उस दिन वहाँ पर जहाँ पर ऑफेंस हुआ है उस पर्टिकुलर जगह पर नहीं थे और ये फेवर जो है जयंती भाई के फेवर में उन्होंने डिसीजन दिया और इसके साथ ही प्रोसिक्यूशन को फेल बताया कि प्रोसिक्यूशन अपना काम करने में फेल हो गया, इसीलिए यहाँ पे इसका डिफेंस जयंती भाई को मिलेगा और वो इस केस से फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस केस के फैक्ट, लीगल इश्यूज और जजमेंट यही है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक